आंध्र प्रदेश में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए यह अमल जारी आप देख रहे हैं। इसमें तकरीबन 1600 के करीब जो है वो कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं और आज फिज़िकल टेस्ट का तीसरा दिन है। दो दिन हमने मेजरमेंट की, नाप तोल किया उनकी हाइट वगैरह और आज तीसरा दिन जो है वो दौड़ का पहला दिन है, आज रनिंग का टेस्ट है और ये कल भी जारी रहेगा और इसके बाद फिर 14 तारीख को इंशाल्लाह हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, रिटर्न टेस्ट। तो इस तरह से ये अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ जारी है और इंशाल्लाह 1600 एप्लीकेशंस ली सबमिट कराएं, जिसमें से जो है वो कोई तकरीबन 100-200 के करीब वो रिजेक्ट हो गए, किसी का एज ज़्यादा थी, किसी की एजुकेशन थी, इस तरह मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। और तकरीबन 1550 तक कैंडिडेट अभी बाकी हैं जो इस अमल से गुज़र रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसके बाद फिर इंटरव्यू का अमल होगा 3-4 दिन के लिए, जो शेड्यूल हमारा हमें मिला है उसके मुताबिक हम इसको जारी रखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह 29-30 तारीख तक हम इस रिज़ल्ट को फाइनल कर लेंगे। वो हमने अभी अलग नहीं किया एजुकेशन वाइज, वो इंटरव्यू में हम तफसील से देखेंगे क्योंकि हमें टाइम काफ़ी मिलेगा बैठ के इंटरव्यू लेने के दौरान, तो एजुकेशन वाइज ये हमें अंदाज़ा होगा कि ज़िला गिज़र के कितने जवान जो हैं वो एजुकेटेड हैं और वो पुलिस की तरफ आना चाहते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह फिर आपको बाद में इसका फिगर जब हम देख लेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह हम बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, मैं गिज़र से बिलोंग करता हूँ और मैंने किया यू यूनिवर्सिटी से बीएस किया हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आज 12 तारीख को हमारा जो पुलिस का जो रनिंग था वो आज शुक्र है कि मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था और तकरीबन कोई से 12 बंदे रह गए और हम 38 लड़कों ने कंप्लीट किया है। तो मेरा ये पुलिस में आने का शुरू से ही शौक था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँ और इससे कुछ रोज़ी अपने लिए कमाऊँ।